जी परी जी, बताइए आज सुबह सुबह आप लोगों से मिलने की लोगों की कतार लग चुकी है, बधाई देने वालों का मुंह नहीं थक रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग यहाँ पे आए और मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। और मैं बता दूँ कि आप लोग यहाँ पे आने के बाद मैं मिस वर्ल्ड चुनी गई हूँ, मुझे मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। तो मैं बता रही हूँ मैं गुमला से हूँ और गुमला से होने के बावजूद बहुत छोटे से शहर से हूँ और वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता। तो भी से मैं यहाँ रांची शिफ्ट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ, फिर मैं मॉडलिंग फील्ड में अपनी हाथ जमा लगी कि नहीं चलो मुझे करना है। फिर मैंने मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता 2019 में और फिर अभी मैं मुझे मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। जी क्या कहेंगे इतने सारे लोग सुबह सुबह आपके साथ में आए? ये सब उन लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ और वही सब चीज़ें जो आज आप लोग यहाँ पे हैं। क्या कहेंगे आज सुबह सुबह आप यहाँ एयरपोर्ट पर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ परी पासवान जी जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीत कर आई हैं और आप भीम आर्मी से संगठन से हैं, क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपका चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ और आज हमारे गुमला जिला के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जितने भी हमारे सैनिक आए हुए हैं परी पासवान को रिसीव करने के लिए और इसकी खिताब जीतने से माने भीम आर्मी बहुत ही खुशी के महसूस कर रहा है और हमारे भीम आर्मी के जितने भी सदस्य हैं इनसे मैं परिचय भी करवाना चाह रहा हूं आपसे। हमारे सूरज अमित राम, उपाध्यक्ष गणेश राम जी, सचिव प्रकाश कुमार सोनी, महासचिव रुपेश कुमार सन्नी और हमारे बहन परी पासवान और हमारे उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष महादेव राम और मीडिया प्रभारी अखिलेश राम और मैं गुमला जिला के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको फिर से एक बार इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। इतना महसूस हो रहा है कि आज हमारे बहन जो प्रतियोगिता जीत के आई है इससे मुझे पूरा गुमला जिला नहीं पूरा झारखंड खुशी से महसूस कर रही है और आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे गरीब घर की बेटी भी इस मुकाम पे पहुँच सकती है अपना मेहनत और ईमानदारी से। बस इतना ही कह के मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ।